भाई टाइम हो रहा है सुबह का, 8 बज रहे हैं और इतना मस्त यहाँ पे मौसम हुआ पड़ा है। धूप निकली हुई है बहुत ही अच्छी, गर्मियों में ही है, सुबह सुबह जल्दी धूप निकल जाती है यहाँ पर। और आज की जो वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इन्फॉर्मेशनल और बहुत ही लाइफस्टाइल वाली होने वाली है यहाँ पे, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले कि यहाँ पे भाई हमें कल्चर शॉक कौन कौन से लगे थे। मुझे यूके में 5 साल हो चुके हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लोग हमसे क्वेश्चन भी पूछते हैं। तो आज इस वीडियो में हम वही शेयर करना चाहते हैं आपके साथ कि कितने सारे कल्चर शॉक्स होते हैं, कितना जो यूके का कल्चर है वो इंडिया से कितना ज्यादा अलग है। इंडिया में भी आपको पता है यार, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हर जगह कहीं पर भी आप चले जाओ डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स होते हैं वहां पर। तो यहाँ पे भी यार बहुत ज्यादा कल्चर जो है वो डिफरेंट होता है, कुछ चीजों में, घर की चीजों में कुछ चीजें डिफरेंट है, कुछ चीजें हम यहाँ पे हैबिट्स हमारी डिफरेंट होती है। तो आज की वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की वीडियो। तो यार जब हम इंडिया से यहाँ पे यूके में आते हैं तो हमें ना कुछ ऐसे डिफरेंसेस और कल्चर शॉक्स और हैबिट्स ऐसी होती है जो हमें थोड़ी अलग लग सकती है। हमें यहाँ पे काफ़ी साल हो गए हैं और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पे रह के नोटिस की है कि किचन में क्या डिफरेंसेस है, यहाँ के कल्चर में क्या डिफरेंसेस है। और ऐसी चीज़ें ना आपको कहीं पे लिखी हुई नहीं मिलेंगी या फिर कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगी जब तक आप यहाँ पे आके एक्सपीरियंस नहीं करोगे। तो हमने वही सोचा कि यार जो भी हमारे हिसाब से जो कल्चर शॉक्स और डिफरेंसेस हमने नोटिस करे वो हम आपके साथ आज शेयर करते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए तो हेल्पफुल होगी ही जो यूके आने का प्लान कर रहे हैं, उनको पहले से ही एक आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या चीजें हैं वो एक्सपेक्ट करके आना चाहिए यहाँ पे। और यार जो लोग प्लान नहीं भी कर रहे उनके लिए भी ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो हो सकती है ये देखने के लिए कि यूके की जो लाइफ है वो इंडिया की लाइफ से कितनी अलग। तो भाई सबसे पहला जो कल्चर शॉक हमको लगता है वो लगता है किचन से, क्योंकि डेली लाइफ में किचन जो है वो हमेशा यूज होती रहती है, हर 5-5 मिनट बाद बंदा किचन में आता है, कुछ खाने का है कुछ पीने का है। तो पहला कल्चर शॉक, तो यहाँ पे टैप वाटर जो है वो सेफ है ड्रिंकिंग के लिए, तो हम लोग भी यहाँ पे अपना टैप खोला, पानी चलाया मस्त और पी गए। बहुत ही अच्छा यहाँ पे पानी होता है। तो ये हमें एक बहुत ज्यादा कल्चर शॉक लगा था इंडिया के कंपैरिजन में, या फिर आप किसी भी और कंट्री से आ रहे हो। दूसरा कल्चर शॉक जो है वो अभी बताएगी आपको, क्योंकि वो उसका फेवरेट है। तो जो दूसरा मेरा जो सबसे ज्यादा फेवरेट डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पे दूध को बॉईल करने की जरूरत ही नहीं होती। यहाँ पे दूध जो है वो ऐसे बॉटल्स में आता है, आप इसको आराम से अपने फ्रिज में स्टोर कर सकते हो। और यहाँ पे हर बॉटल पे एक डेट लिखी होती है, जो एक्सपायरी डेट होती है उसके हिसाब से आप दूध को यूज कर सकते हो। तो ये जो डिफरेंस है वो मेरा फेवरेट नहीं है, गौरव की मम्मी का भी बहुत ज्यादा फेवरेट है। जब वो लोग यहाँ पे आए थे उनको इतना ज्यादा एक्साइटिंग लगा कि यार दूध को बॉयल करने की जरूरत ही नहीं है, कोई स्यापा ही नहीं है, बस दूध लाओ यूज करो फ्रिज में रख दो। यहाँ पे जो दूध आता है वो ऑलरेडी पैस्चराइज आता है, वो ऑलरेडी एक प्रोसेस के थ्रू जाता है जिससे जो दूध है वो प्यूरिफाई हो जाता है, उसकी इम्प्यूरिटीज हमें बॉयल करके निकालनी नहीं पड़ती। पर इंडिया में रॉ मिल्क बहुत ज्यादा यूज होता है आज भी, तो उसको बॉयल करके वो पैस्चराइज करते हैं। लेकिन जो इंडिया में भी अमूल का दूध आता है या फिर मदर डेयरी का दूध आता है वो ऑलरेडी पैस्चराइज होता है, उसको बॉयल करने की जरूरत नहीं है। और यार अगला भी बहुत ही एक इंटरेस्टिंग डिफरेंस है, यहाँ पर सीलिंग फैन नहीं होते। देखो ऊपर कोई सीलिंग फैन नहीं मिलेगा आपको यूके में, क्योंकि उसका रीजन ये है यार यहाँ पर ना पहले बहुत ज्यादा ठंड होती थी तो कभी भी सीलिंग फैन की जरूरत नहीं पड़ी, फैंस भी नहीं होते थे, मतलब जो नॉर्मल स्टैंड वाले फैन होते हैं वो भी नहीं होते थे पोर्टेबल वाले। लेकिन अब क्या है यार ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यहाँ पे गर्मियां इतनी ज्यादा होने लग गई है, एटलीस्ट 2 से 3 हफ्ते तो है बहुत ज्यादा गर्मी रहती है यहाँ पे, 35-40 डिग्री हीट वेव चली जाती है, लोगों को एसी की जरूरत पड़ती है। तो आजकल लोगों ने एसी भी लगवाने स्टार्ट कर दिए, यहाँ पर स्प्लिट एसी यहाँ पे लग जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है यहाँ पे ना मेंटेनेंस का बहुत खर्चा आता है, आप पूरे साल में अगर आप एसी सिर्फ 10 दिन चला रहे हो और साल के बाद उसकी मेंटेनेंस कर रहे हो तो उस पे खर्चा इतना आ जाएगा कि वो वर्थ ही नहीं है लगाना। तो यहाँ पे सीलिंग फैन जो है वो बिल्कुल भी नहीं होते। लोग हमसे पूछते हैं यार वहाँ पे गर्मियों में आप कैसे रहते हो, तो यहाँ पे पेडेस्ट्रियल जो फैन होते हैं, जो स्टैंड पोर्टेबल फैन होते हैं, आप वो ले लो, 10-20 पाउंड का आ जाता है और वो अपना यूज करो। 15 से 20 दिन की यार यहाँ पे गर्मियां होती है, उसके बाद तो मोस्टली जो है यहाँ पे ठंड रहती है। लेकिन जो होती है ना यहाँ पे गर्मियां वो इतनी ज्यादा होती है, आप फैन भी आपको लगेगा कि यार इंडिया वाली जो एक वो ठंडक मिलती है ना एसी में, अगर वो मिल जाए तो भाई जिंदगी में आराम आ जाए। तो हम क्या करते हैं कभी कभी यहाँ पे अपना गाड़ी में तो एसी होता ही है, गाड़ी में अपना एसी चलाया और सीधा अपना ड्राइव पे चले गए। तो यहाँ पे सीलिंग फैन जो है उसका कल्चर बिल्कुल भी नहीं है एज कम्पेयर टू इंडिया या अदर कंट्री। तो जो अगला डिफरेंस मुझे लगता है कि इंडिया में जो यूटिलिटी होती है वॉशिंग मशीन वगैरह वो सब या तो बालकनी में होती है या वॉशरूम में होती है, लेकिन यहाँ पे यूके में जो यूटिलिटी सेक्शन है या तो अलग से किचन की साइड में बना होता है या फिर किचन में ही वॉशिंग मशीन होती है।
तो ये मुझे बहुत बड़ा डिफरेंस लगा था यार, किचन के अंदर ही वॉशिंग मशीन है, किचन के अंदर हम कपड़े धो रहे हैं। बेबी क्या कर रहे हो, ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही है? यार मैं सोच रहा हूँ आज एग ऑमलेट बनाया जाए, एग ऑमलेट कह रहा हूँ, ऑमलेट तो ऐसे ही बनता है, ब्रेड ऑमलेट बनाया जाए। और यहाँ पर इससे मुझे एक चीज याद आई कि यहाँ पे जो एग्स होते हैं ना वो फ्रिज में नहीं रखते। इंडिया में क्या है, गर्मी इतनी ज्यादा है तो एग्स को भी फ्रिज में रखा जाता है, लेकिन यहाँ पे जो एग्स हैं वो आप बाहर भी रख सकते हो, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एकदम ठीक रहते हैं। और हर डब्बे के ऊपर ना डेट होती है, जैसे 14 अगस्त यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 14 अगस्त तक ये वाले जो एग्स हैं वो ठीक रहेंगे। वैसे तो उसके ऊपर भी 2-4 दिन ठीक ही रहते हैं, बट फिर भी यहाँ पे डेट हर किसी चीज पे होती है, तो जो एग्स हैं वो इंडिया में फ्रिज में होते हैं और यहाँ पे फ्रिज से बाहर। तो यार अगला जो डिफरेंस है, ये आई थिंक ये हर कोई फील करता है कि यहाँ पे जो नेबरहुड होता है, जो आपकी आसपास की सोसाइटी होती है, वो बहुत ही ज़्यादा क्वाइट होती है, किसी को किसी से मतलब नहीं होता। इवन जो हमारे नेबर्स हैं वो हमें इतना ज़्यादा दिखते नहीं है, वो अपने में ही रहते हैं। तो ये चीज़ अच्छी भी है और थोड़ी सी कभी कभार लोनली भी हो सकती है। जैसे इंडिया में क्या होता है, सारे एक साथ मिलके शाम को गपशप लगा रहे हैं, बैठे हुए हैं, और बट यार कुछ कभी कभार ऐसे लगता है कि इंडिया में थोड़े लोग नोजी भी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे अगर आपको ऐसी लाइफ पसंद है, क्वाइट लाइफ पसंद है, कि आपको अपनी लाइफ अपने टर्म्स पे जीनी है, तो ये कंट्री बहुत अच्छी है उसके लिए। तो अभी देख सकते हो आप, ये हमारा नेबरहुड है और बाहर कोई बंदा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ना बंदा ना बंदे की जात, दिखता ही नहीं है, बंदे ही नहीं दिखते, मतलब सारे अंदर है, अपना घर में अपना मौज ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये नहीं है कि बाहर बैठ के मंजी बिछा के यहाँ पे बातें कर रहे हैं। इसको देख के आपको पता चल ही गया होगा कि अगला डिफरेंस कौन सा होने वाला है। तो भाई इंडिया में लगे होते हैं टॉयलेट्स में जेट, जिससे आप मस्त वहां पे मजे लेते हो, आराम से फोन चलाते हो, मजे लेते हो। यहाँ पर होते हैं भाई टॉयलेट टिश्यूज। तो भाई यहाँ पे कोई भी जेट वेट का सिस्टम नहीं होता, यहाँ पे टॉयलेट टिश्यूज होते हैं, यही आपका दोस्त है। वैसे तो दोस्त है लेकिन सच्चा दोस्त है ये है वेट टिश्यूज और ये है नॉर्मल टिश्यूज। तो पहले ये यूज करो और फिर ये यूज करो, तो ये अपना बढ़िया यहाँ पे सिस्टम चल जाता है। कई लोग हैं वो जेट भी लगा लेते हैं यहाँ पर, तो ऑनलाइन अवेलेबल है, अमेजोन वगैरह पे है, आप लेके वहाँ पे फिट कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टाइम तक यार हर जगह पे यही चीजें मिलती हैं आपको, तो इसकी आदत डालनी पड़ेगी। तो अब बात करते हैं कुछ ऐसे कल्चरल डिफरेंसेस जो यहाँ पे आके यार काफी शॉकिंग लग सकते हैं। तो पहला जो डिफरेंस मुझे लगा था कि यहाँ के जो ब्रिटिशर्स है वो बहुत ही ज्यादा पोलाइट है, हर चीज में थैंक यू सॉरी इस चीज का बहुत ही ज्यादा कल्चर है। और एक टाइम पे आपको ऐसी आदत पड़ जाती है कि आप जो नॉन लिविंग थिंग्स है ना उनको भी आप सॉरी बोलते रहते हो। कहीं पे टक्कर लग गई टेबल वेबल से, तो उसको भी आप बोलते हो सॉरी यार टक्कर लग गई। तो यार इसको, इस चीज को आप जितनी जल्दी अडेप्ट कर लोगे उतना ज्यादा अच्छा होएगा आपके लिए, क्योंकि ये एक एक्सपेक्टेशन भी रहती है। जो लोग यहाँ पे आते भी है ना, जो यहाँ के ब्रिटिशर्स है, वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप थैंक यू और सॉरी बोलोगे छोटी छोटी चीजों के लिए। और अगला जो डिफरेंस यहाँ पे हमें ज्यादा फील होता है वो होता है क्यूइंग का। हर जगह पे ना यहाँ पर आपको क्यू मिलेगी कि भाई कहीं आप शॉपिंग करने जा रहे हो या कहीं पर भी जा रहे हो, अगर क्यू लगी हुई है बहुत ही सिस्टमैटिक लगता है मुझे। ये होता है कि यार जैसे अपनी कंट्री में क्या होता है ना यार, भिच्चम भुच्ची बहुत है कि कोई यहाँ से घुस रहा है कोई वहां से घुस रहा है, तो ये चीज आपको यहाँ पे ज्यादा फील होगी कि यार ये सिस्टम सही है, चाहे लंबी क्यू है लेकिन बारी जो है वो एक के बाद एक आती जा रही है सिस्टमैटिकली। ये नहीं है कि कोई अंदर घुस गया, कोई आप किसी ने आपकी जगह ले ली या किसी ने किसी और की जगह ले ली। तो भाई इतने सालों से यहाँ पे रह के इतनी ज्यादा आदत पड़ गई है कि अगर क्यू दिखती है हमें तो सीधा जाके पीछे खड़े हो जाते हैं, चू तक नहीं करते कि भाई किस चीज की क्या है सिस्टम है, पहले जा सकते हैं नहीं जा सकते। तो यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता, क्यू है तो अपना पीछे जाके खड़े हो जाओ और सिस्टमैटिकली आपकी बारी आई जाएगी। तो ये एक बहुत ही बढ़िया चीज है यहाँ पे जो मुझे पर्सनली बहुत सही लगती है। तो जो नेक्स्ट डिफरेंस है, ये तो यार सबसे बड़ा कल्चर शॉक होता है यहाँ पे। जब मैं भी नई नई आई थी और मैंने लोगों को पब्लिकली रोमांस करते हुए देखा था, तो मुझे थोड़ी शर्म आई थी कि यार ये क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो रोमांसिंग इन पब्लिक है वो बहुत ही ज्यादा नॉर्मलाइज्ड है, तो ये थोड़ा सा कभी कभी शॉकिंग लगता है, बट वंस यू गेट यूज्ड टू इट कि यार ये यहाँ का कल्चर है, तो फिर वो सब कुछ नॉर्मल लगने लगता है। यार अगला जो कल्चर शॉक है वो ये है, कल्चर डिफरेंसेस आप मान सकते हो। तो यहाँ पे लीगल टू ड्रिंक एनीवेयर अनलेस स्पेसिफाइड, मतलब आप कहीं पर भी बैठ के अपना फ्रेंड्स के साथ बैठ के ड्रिंक कर सकते हो, बियर पी रहे हो या कुछ भी आपको ड्रिंक करना है वहाँ पे, अल्कोहल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि इंडिया में बाय लॉ आप हर जगह पे नहीं पी सकते, पुलिस जो है वो आपको मना कर सकती है। अगर आप कहीं पार्क में बैठ के पी रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ या कहीं गाड़ी में बैठ के पी रहे हो, वहाँ इंडिया में मना हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो है वो आप पार्क में बैठ के बाहर बैठ के कहीं पर भी आप पी सकते हो, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन पीने के बाद कोई ऐसी हरकत करोगे तो ऑब्वियसली पुलिस आपको फिर तो पकड़ेगी
लेकिन ड्रिंक करने के ऊपर यहाँ पे कोई भी वो नहीं है, रूल नहीं है कि आप कहीं नहीं कर सकते। अदरवाइज स्पेसिफाइड होना चाहिए कि भाई वहाँ उस जगह पे यहाँ पे ड्रिंक करना मना है, तो वहाँ आप नहीं कर सकते, अदरवाइज आप कहीं पर भी बैठ के कर सकते हो। हमने आपको ये वाली वीडियो में बताया था कि टिनको ने हमें एक प्रोडक्ट भेजा है, उसकी हमने आपको फीचर्स बताए थे उस वीडियो में, बट ट्राई करके नहीं बताया था। और काफी लोगों के मैसेजेस भी आए कि ट्राई करके दिखाओ तो सही क्या डिफरेंस होता है। और यार यहाँ पे कारपेट होते हैं ना, वो गंदे हो जाते हैं, हमें पता भी नहीं लगता कि कितने गंदे हो गए हैं। तो आज हम इस प्रोडक्ट को ट्राई करने वाले हैं और देखते हैं हमारा कारपेट कितना साफ लगता है और हमें क्या डिफरेंस फील होता है। इसमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि ये कारपेट को साथ के साथ ड्राई कर। बट यार बिल्कुल पता ही नहीं लग रहा कि यहाँ पे मैंने अच्छे से मिट्टी रगड़ी थी, और एकदम क्लीन हो गया है और ड्राई भी हो गया है। हमने ड्राई मोड चलाया था, बिल्कुल कुछ भी गीला नहीं लग रहा। तो ऑल इन ऑल मुझे तो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा पसंद आया, डेफिनेटली इट्स वेरी रिलायबल एंड वेरी इफेक्टिव, जैसे कि हमने आपको वीडियो में दिखाया। तो अगर आप भी ये प्रोडक्ट ऑर्डर करना चाहते हो अपने घर के लिए तो प्लीज क्लिक ऑन द लिंक बिलो एंड चेक आउट आवर डिस्काउंट। तो जो नेक्स्ट और सबसे लास्ट डिफरेंस है वो है रिलेटेड टू शॉपिंग, कि जो शॉप्स है मोस्ट ऑफ द शॉप्स जो सिटी सेंटर और टाउन सेंटर में होती है वो 5:30 बजे बंद हो जाती है। लाइक यार हम 5 बजे तो काम ही खत्म करते हैं, 5:30 बजे शॉप्स खत्म हो गई, तो आपको शॉपिंग के लिए सिर्फ वीकेंड बचता है, तो आप वीकेंड पे ही शॉपिंग करने जा सकते हो। बताओ ये लड़कियों के लिए सही है या नहीं है? फेयर तो नहीं है ना, हमें ऑनलाइन शॉपिंग पे रिलाई करना पड़ता है। तो ये मेरे को बड़ा डिफरेंस लगता है यार, 5:30 बजे कौन दुकानें बंद करता है। बट सेइंग दैट, ये यहाँ का कल्चर है कि टाइम से शॉप्स बंद करो ताकि जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं वो भी जाके अपनी फैमिलीज के साथ टाइम स्पेंड कर सके। तो एक वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ पे बहुत बड़ा कल्चर का पार्ट है। यहाँ पे इंडिया में क्या है, 10-11 बजे तक दुकानें खुली रहती है, वो बेचारे तो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते। तो ये अंडरस्टैंडेबल भी है बट बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग भी है। ये कुछ डिफरेंसेस थे कल्चर शॉक्स हैबिट्स यहाँ की जो हमने ओवर द ईयर्स नोटिस करी है, और ये हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे ताकि जो लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं उनको ये इन चीजों के बारे में ऑलरेडी पता हो। यार ये वीडियो वैसे हमने बहुत पहले सोची थी, लेकिन हमने सोचा चलो कॉमन चीजें होती हैं बंदे को पता चल जाता है, लेकिन हमारे पास कई सारे फनी फनी क्वेश्चंस आते हैं, तो हमने कहा चलो यार कुछ पॉइंट्स को इकट्ठा करके एक वीडियो बनाते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। तो होपफुली यार आपको आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी, और अगर जो लोग इंडिया से नहीं भी आ रहे यूके में वो भी देखने में उनको इंटरेस्टिंग लगता है यार अच्छा यूके में ऐसा होता है, तो ये भी हमें भी लगता था जब हम लोग इंडिया में रहते थे और हम बाहर की चीजें देखते थे, उस टाइम पे ज्यादा यूट्यूब कल्चर नहीं था, बट अभी हो गया है तो अभी काफी चीजें यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। तो मैं यही कहना चाहता था होपफुली यार आपको वीडियो जो है आज की पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट सेक्शन में हमें बताना कि आपने ये सोचा था कि ये डिफरेंस है यहाँ पे या नहीं है। और अगर कोई और इंटरेस्टिंग चीज आपको पता हो यूके के कल्चर के बारे में तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मजा आएगा यार बातें करो कमेंट में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। थैंक यू फॉर सो मच लव एंड सपोर्ट यू हैव गिवन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।